नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज का वीडियो आप सभी छात्रों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जितने भी यहाँ पर पीटीटी के स्टूडेंट हैं। अब देखिए, लगातार आप सभी छात्रों के कमेंट बॉक्स में, साथ में टेलीग्राम पर, उसी के साथ ही में जो इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पर भी लगातार आप सभी छात्रों को डीएम आ रहे हैं। किस तरह जो सेकंड लिस्ट के बाद में जो थर्ड लिस्ट है वो हमारी कब जारी होने वाली है, साथ ही में अपवार्ड कितनी बार हम करवा सकते हैं, क्योंकि हमने अपवार्ड करवाया, अपवार्ड के बाद में कॉलेज हमारी चेंज हो गई है, क्या हम फिर से अपवार्ड करवा सकते हैं, क्योंकि जो कॉलेज मिली है हमें अपवार्ड करवाने के बाद में वो हमें बहुत ही दूर मिली है। तो ये सभी आपके डाउट चल रहे हैं। उसके बाद में जो हमारा अपवार्ड स्टार्ट होने वाला है सेकंड लिस्ट को लेकर, वो हमारा कब तक जारी हो जाएगा, तो इन्हीं सभी डाउट्स के यहाँ पर मैं रिप्लाई करने वाला हूँ। क्योंकि देखो, अभी मेरे पास फिलहाल माइक नहीं है, आप सभी के ज्यादा कमेंट आ रहे थे, इसी वजह से मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो थोड़ी वजह से थोड़ी आवाज में दिक्कत हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पर आप सभी छात्रों को मैं लगातार क्लियर भी कर रहा हूँ। देखो, 30 तारीख तक आप कॉलेज में एक तरीके से रिपोर्टिंग करवा सकते हो, मतलब कि कॉलेज में आप अपनी फीस सबमिट करवा सकते हो, अपने पांच मतलब कि जो 22,000 रुपए है, ठीक है। उसी के बाद में अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो आप सबमिट करवा सकते हो। डॉक्यूमेंट्स का मैंने आप सभी छात्रों को भली भांति से क्लियर कर दिया है, फिर भी काफी छात्र पूछ लेते हैं, मैं वहां पर भी आप सभी छात्रों को रिप्लाई कर देता हूं कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं क्या क्या लगने वाले हैं। 10-12 की मार्कशीट हो गई, आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया जो कि ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, मूल निवास हो गया, आपकी टीसी हो गई, उसी के बाद में आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट हो गया। तो ये नॉर्मल सी चीजें आपकी लगने वाली है जो कि आप बनवा लेना पहले से ही, मैं ये बार बार बोलता हूं। अब देखो, काफी छात्रों को पता नहीं है, लेकिन मैं आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको क्लियर कर देता हूं। लास्ट ईयर 2022 में आपकी सिक्स्थ लिस्ट है वो भी आपकी जारी हुई थी, यानी कि 6 लिस्ट भी आपकी जारी हुई थी, पांचवी, फिफ्थ लिस्ट, फोर्थ लिस्ट, थर्ड लिस्ट, सभी आपकी जारी हुई थी लास्ट ईयर। तो इस बार भी आपकी कम से कम 4 या 5 लिस्ट तो आपकी मिनिमम जारी होने वाली है। अब आपकी जो थर्ड लिस्ट है वो आपकी कब जारी होगी, आप देखो, आप सभी छात्रों को पता है कि 30 तारीख तक आप कॉलेज में फीस एंड जो डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट करवा सकते हो। उसके बाद में 31 तारीख आपकी रिपोर्टिंग की लास्ट डेट रहने वाली है। तो उसके बाद में मैंने क्लियर किया था कि सितंबर के 5 या 10 तारीख के अप्रोक्स आपकी जो थर्ड लिस्ट है वो आपकी जारी हो जाएगी, और उसके बाद में जो आपका अपवार्ड का रिजल्ट जारी होगा, मतलब कि अपवार्ड का जो फोरम स्टार्ट होंगे सेकंड लिस्ट को लेकर, ठीक है, क्योंकि वहां पर फर्स्ट लिस्ट के भी अप्लाई कर पाएंगे, और फर्स्ट लिस्ट के आप तभी अप्लाई कर पाओगे जब देखिए, मान लीजिए आपको फर्स्ट लिस्ट में कोई कॉलेज मिली, ठीक है, जैसे अलवर कॉलेज मिल गई, और अलवर मिलने के बाद में आप जैसे सीकर के निवासी हो, आपने अपवार्ड के लिए अप्लाई किया, तो आपको सीकर में मिल गई, फिर भी आपको संतुष्टि नहीं है कि मुझे यहाँ पर कॉलेज मिली है, फिर भी आप चाह रहे हो, मतलब कि आपको दूरी मिली है, फिर भी आप चाह रहे हो कि मुझे जो कॉलेज है मेरे और भी नजदीक, यानी मेरे घर के पास में ही मिलनी चाहिए, तो इसलिए फिर भी आप चाहते हो कि मुझे अपवार्ड का फॉर्म लगाना है। तो पहले आपको मैं क्लियर कर देता हूं, जो आपको सीकर में कॉलेज मिली है उसमें आपको रिपोर्टिंग करवानी होगी, जब आपका एडमिशन उस कॉलेज में कंप्लीट होगा तभी आप अपवार्ड के लिए एलिजिबल होंगे। तो ये डाउट है, वो जो भी डाउट है या प्रॉब्लम है उसके अपने माइंड के अंदर बिठा लेना, क्योंकि ये बार बार आप सभी छात्रों को क्लियर नहीं करूंगा, ठीक है। आपकी जो आपका जो अपवार्ड है वो कब से स्टार्ट होगा, अपवार्ड आपका रिपोर्टिंग के बाद में स्टार्ट होने वाला है, जिसकी डेट आपके लिए जल्द ही जारी कर दी जाएगी। या तो देखो, आज के पेपर जितने भी हैं मैंने सभी छान लिए हैं, अभी आपके पीटीटी से रिलेटेड कोई अपडेट नहीं है, आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस मिल जाएगा, उस नोटिस का आप सभी छात्रों को इंतजार भी करना है। काउंसलिंग से रिलेटेड भी आप सभी छात्रों को मैं क्लियर करना चाहूंगा, तो थोड़ा पेशेंस रखें, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे क्या क्या बोलना है और आप क्या क्या पूछ सकते हो, वो सब कुछ मुझे पता है, तो इसलिए मैं सब कुछ क्लियर करने की कोशिश करता हूं एक ही वीडियो में, ठीक है। आपको मैंने क्लियर कर दिया, आपकी जो थर्ड लिस्ट है वो सितंबर के 5 या 10 तारीख तक आपकी जारी हो जाएगी, उसके बाद में जो आपका अपवार्ड का फोरम स्टार्ट होगा। देखो, ये तो बिल्कुल क्लियर है कि जो आपकी थर्ड लिस्ट है, यानी कि जो थर्ड लिस्ट है साथ में जो आपका अपवार्ड का रिजल्ट है, दोनों ही आपके एक साथ जारी होने वाले हैं। और अपवार्ड का मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूं कि जैसे आपने 50 कॉलेज भरी, 50 में से आपको 35वें नंबर की कॉलेज मिली, तो 1 से लेकर 34 नंबर की कॉलेज ही आपको अलॉट होती है। अपवार्ड का मतलब होता है कि ऊपर वाली कॉलेज आपको हमेशा मिलती है, ऐसा नहीं कि बाद वाली कॉलेज आपको मिलेगी। जो भी डिस्ट्रिक्ट बढ़ते हो अपवार्ड में भी आपको ऑप्शन दिया जाता है, तो वहां पर भी आप ध्यान रखना, जो भी डिस्ट्रिक्ट बढ़ते हो तो वहां पर आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आप ये कॉलेज आप एक तरीके से बढ़ सकते हो, जो भी आपकी नजदीकी कॉलेज है, ठीक है। नेक्स्ट चीज को लेकर मैं क्लियर कर देता हूं। देखो, स्टूडेंट सभी अपवार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 1 से 2 बार स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं अपवार्ड के लिए, कोई दिक्कत नहीं है उस चीज में, ठीक है। आपकी फोर्थ लिस्ट भी जारी होगी, थर्ड लिस्ट भी आपकी जारी होने वाली है। अब आपकी जो काउंसलिंग है, काउंसलिंग से रिलेटेड भी मैं क्लियर कर देता हूं। देखो, काफी छात्र लगातार भी कमेंट कर रहे हैं, और लगातार मैंने ओल्ड जितने भी वीडियोज बनाए हैं उन वीडियोज में मैंने आपको क्लियर किया है। सभी छात्रों को पता है कि लगातार वीडियोज बना रहा हूं, लगातार मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, फिर भी
काफी छात्रों के मन में डाउट रहता है, तो मतलब कि जो डाउट है डाउट को अपने माइंड से निकाल देना, क्योंकि देखो जो आपकी काउंसलिंग है, काउंसलिंग मैंने वो क्लियर कर दिया था कि जो 2 ईयर के स्टूडेंट है उनके लिए आपकी जो काउंसलिंग है वो नहीं होने वाली है, जो ओनली 4 ईयर के स्टूडेंट है उनके लिए होगी। अब उनके लिए कब होगी और कैसे होगी, अब देखो यहाँ पर जो चीजें मैं क्लियर कर रहा हूं वो जैसे मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मुझे पता रखती है तो उसी इन्फॉर्मेशन के आधार पर आप सभी छात्रों को मैं क्लियर करता हूं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर जो ई पेपर देख सकते हो, इसी ई पेपर में बिल्कुल क्लियर है, इसमें बोला भी गया था कि जो स्टूडेंट है मतलब कि 4 ईयर के उनकी सीटें कम भरी है, क्योंकि वहां पर जैसे 40,000 से 45,000 आपकी सीटें थी टोटल, तो 19,000 सीटें आपकी खाली रह गई थी बीए बीएड बीएससी बीएड में। तो वहां पर जो एक तरीके से जो नोडल अधिकारी है वो सोच रहा था, मतलब कि सोच रहे थे कि जो दोबारा से काउंसलिंग करवा सकते हैं, लेकिन अभी तक आपकी काउंसलिंग से रिलेटेड कोई अपडेट नहीं है। और देखो जब तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हो जाती तब तक मैं आपको कंफर्म नहीं बोल सकता, मैं आपको ओनली एक तरीके से संभावना ही बता सकता हूं, मैं आपको कंफर्म नहीं बोलूंगा क्योंकि बाद में मुझे हिट मिलता है और वो मैं कभी नहीं चाहता। तो अभी आप ये समझ के चलिए कि 50-50 चांसेस है आपकी काउंसलिंग हो भी सकती है और आपकी काउंसलिंग नहीं भी हो सकती है, क्योंकि यहां पर मुझे पता है कि जिन्होंने काउंसलिंग वगैरह नहीं करवाई है तो वो तो एक तरीके से आस लगाकर बैठे हैं, उनके लिए तो एक तरीके से अमृत के समान है कि इस बार काउंसलिंग हो जाए तो हमें भी एक तरीके से बीएड में एडमिशन मिल जाए। वो चीज मुझे भी पता है क्योंकि सीटें भी इस बार ज्यादा रही है और काफी मतलब कि कम परसेंटेज पर भी स्टूडेंट्स को यहाँ पर एक तरीके से मौका मिल रहा है, लगातार मिल रहा है। बाकी आपका जो रिफंड रहेगा, अगर कोई स्टूडेंट को कॉलेज नहीं मिलती है फिफ्थ लिस्ट में भी, अगर फोर्थ लिस्ट में भी नहीं मिलती है तो उसको रिफंड मिल जाएगा, रिफंड की आप टेंशन मत करना, आपके 5,000 रुपए आपके सोने की पेई में है, वो आपको कभी भी मिल जाएंगे, ठीक है, जब भी आप अवार्ड के लिए अप्लाई करोगे। इवन जो रुपए है वो आपके अकाउंट में भेजे जाएंगे, आपको उस चीज मतलब कि उस चीज को लेकर बिल्कुल टेंशन बिल्कुल भी आप सभी छात्र मत करना, ठीक है। बाकी अगर आपका कोई डाउट रहता है पीटीटी से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना, आपके जितने भी डाउट थे वो मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिए हैं। कट ऑफ से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो आपके लिए आ जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा। देखो कट ऑफ इतनी कुछ ज्यादा हाई नहीं रही है, जो भी आपकी मतलब की जो फर्स्ट लिस्ट में जो आपकी कट ऑफ रही है उससे 5 या 10 नंबर आपके कम ही रहे हैं इस बार। बाकी देखते हैं आपकी जो थर्ड लिस्ट है वो जल्दी जारी हो जाएगी, जो कि मैंने आपको डेट ऑफिशियल बता भी दी है, आपकी अपवार्ड से रिलेटेड जल्दी साइट अपडेट होगी, अपडेट होते ही आपको क्लियर कर देता हूं। लास्ट में एक चीज और बोलना चाहूंगा कि मैं लगातार साइट के ऊपर विजिट कर रहा हूं, लेकिन अभी तक जो आपकी कॉलेज लिस्ट है वो आपकी अपडेट नहीं हुई है, क्योंकि कॉलेज लिस्ट से आप सभी छात्रों को ये पता लग जाता कि कौन से कॉलेज में कितनी सीटें खाली है और किस कैटेगरी में कितनी सीटें खाली है और कौन सी कॉलेज में जो सीटों की संख्या है वो ऑलमोस्ट बढ़ चुकी है, तो ये चीजें आपको बाद में क्लियर दी जाएगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसा ही नया कंटेंट लेकर। और आप सभी छात्रों से विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, यहीं पर आपको लाल बटन दिखाई दे रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक करिए जिससे कि चैनल भी सब्सक्राइब हो जाए।